Welcome to the black hole to explore knowledge, the analysis hole. Thank you. Please like and subscribe. We'll study the conflict. One of the most important elements of any story, poem or novel is conflict. The story wouldn't work without it. The main characters or characters fight against something that tries to obstruct their path in any of the conflicts. This could be a disease, a character, a storm, an addiction or any other kind of obstacle. तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है मेन पार्ट होता है किसी भी स्टोरी पोएम या नावल का. इसके बिना स्टोरी बिल्कुल अधूरी रहती है. मेन कैरेक्टर या कैरेक्टर्स जो होते हैं किसी ऐसी चीज़ से मतलब उसका सामना करते हैं जो उनके आगे रास्ते में बाधा बनता है. ये किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकता है, डिजीज़ या कैरेक्टर, कोई दूसरा, कोई स्टॉर्म एंड एडिक्शन या किसी भी और तरह का ऑब्स्टेकल. देर आर टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट. तो दो तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स होती है. कॉन्फ्लिक्ट्स अ कैरेक्टर एक्सपीरियंसेस इंटरनली आर रेफर्ड टू एज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. तो इंटरनली जो कोई कैरेक्टर एक्सपीरियंस करता है उसको हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैं. Defeating an addiction or resisting the urge to harm others are two examples. तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैसी होती है, किसी भी चीज़ का एडिक्शन, उसको हमें अपने अंदर से ख़त्म करना या अपने अंदर कोई ऐसी इच्छा हो जिससे हम दूसरों को हार्म पहुँचा सके. इट टेक्स प्लेस इनसाइड द मेन कैरेक्टर एंड शेप्स हाउ दे बिकम थ्रू आउट द नरेटिव. तो ये कैरेक्टर के अंदर ही अंदर डेवलप होती है, इसको हम इनर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हैपन आउटसाइड द कैरेक्टर्स माइंड. तो ये बाहर होती है कैरेक्टर के माइंड के बाहर. एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट दे आर कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर इंडिविजुअल्स और एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ्स. तो ये उनका एक तरह का झगड़ा होता है दूसरे इंडिविजुअल से या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से. द गोल ऑफ द कैरेक्टर इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय सम आउटसाइड फोर्स. तो उस कैरेक्टर का जो भी एम या होता है तो उसमें कोई भी आउटसाइड फोर्स ही बाधा बनाती है. फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन, अ क्लोज एनिमी और अ नेचुरल डिजास्टर लाइक स्टॉर्म और इलनेस. तो किसी भी तरह का उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या कोई उसका करीबी दुश्मन या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए जैसे स्टॉर्म हो जाए या फिर बीमारी कोई, तो इन्हें हम एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. इनटू द वाइल्ड बाय जॉन क्रैकोवर टेल्स द ट्रू स्टोरी ऑफ अ यंग मैन नेम्ड क्रिस्टोफर मैकैंडलस. तो ये इनटू द वाइल्ड किसने लिखी थी, जॉन क्रैकोवर ने. इसमें एक ट्रू स्टोरी है यंग मैन की जिसका नाम है क्रिस्टोफर मैककैंडलस. ही मेड द डिसीजन टू गिव अप हिज लाइफ एंड हिज पेरेंट्स आफ्टर रिसीविंग हिज कॉलेज डिग्री, सेल एवरीथिंग ही ओन एंड वेंचर इनटू द वाइल्ड. तो उसने जैसे ही उसकी कॉलेज की डिग्री मिली उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जान दे देगा, अपने पेरेंट्स को भी छोड़ देगा और जो भी उसके पास है और वो जंगल में चला जाएगा. एंड एज ही मेक्स हिज वे अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इवेंचुअली रीचेस अलास्का ही एनकाउंटर्स बोथ हैप्पीनेस एंड सोरो देयर. तो जैसे ही वो अलास्का पहुंचा वहां पर उसे हैप्पीनेस और सोरो एक साथ मिली. क्रैकोवर डिस्क्राइब्स He describes mechanless conflicts with the environment, other people and himself throughout the entire story. तो उसकी जो mechanless की conflict environment से थी इसकी या दूसरे लोगों से पूरे story में. Writing a gripping story requires conflict. तो एक कोई भी story लिखने के लिए हमें conflict की ज़रूरत पड़ती है.
कॉन्फ्लिक्ट दिखाना ज़रूरी होता है राइटर को. रीडर्स वॉन्ट बी एंगेज्ड इन अ नॉवल एंड दे इफ देर इज इन समथिंग सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वेदर इट बी ह्यूमन अगेंस्ट ह्यूमन ह्यूमन अगेंस्ट सोसाइटी एक्सेट्रा. तो नॉवल जब भी लिखा जाता है तो रीडर जब भी एंगेज होगा जब उसमें कोई भी किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट दिखाई जाएगी, चाहे तो वो ह्यूमन या ह्यूमन के अगेंस्ट हो ह्यूमन या सोसाइटी के अगेंस्ट हो. दे वुडेंट बी कॉन्फ्लिक्ट टू ड्राइव द प्लॉट और अ रीज़न टू कीप रीडिंग टू फाइंड आउट हाउ इट इज़ रिजॉल्व इन द बुक पोएम और स्टोरी. सो कॉन्फ्लिक्ट इन अ स्टोरी नीड टू बी नोटिसेबल एंड इट कैन बी सेटल एज इन माइकल कनिंगम मूवी नॉवल द आर्ट्स विच टेल्स द स्टोरीज ऑफ थ्री वेमेन इन डिफरेंट सोसाइटीज ओवर द कोर्स ऑफ टाइम. तो ये एक दूसरा नावल का एग्जाम्पल दिया गया है द आर्ट्स का. माइकल कनिंगम इसका ऑथर थे. तो इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई गई वो तो जब नावल पढ़ के ही हमें ठीक से समझ आएगा. सो प्लीज़ नोट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन कॉन्फ्लिक्ट इन योर नोटबुक. थैंक यू.